सम व्हाट? अब देखना मैं मौके का फायदा कैसे उठाती हूँ। इस मिश्री की बच्ची को मैं घर से बाहर उस बाबा के पास भेज कर दे रहूंगी। ओके गाइस, पुष्पा आ ही रही है, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। ओके ओके। ओह माय गॉड, इट्स सो सैड। लू बेटा, मुझे नहीं लगता बच पाएगा। अरे इतना बड़ा कहर उस पर टूट पड़ा है। पर ऐसा क्या हुआ देवीना आंटी? तुम्हें नहीं पता, लेकिन पंकिन तुम बोलो, अगर ग्लू बेटी को अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना था तो उसे वो प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए था ना उस ट्रिनिटी बाबा को। हाँ एग्जैक्टली, नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों किया उसने। आई एम श्योर ये सब कुछ उस बाबा की वजह से हो रहा है। अब ऑब्वियसली ग्लू बेटी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो बाबा ने उसे कर्स कर दिया है। ओह माय गॉड, हे देवीना, कौन कौन बच्चन की बात कर रही हो? क्या बोल रही हो? हाँ क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, पुष्पा तुमने सब कुछ सुन लिया? देखो मैं कभी नहीं चाहती थी कि लाइफ में तुम्हें इस राज के बारे में पता चले, लेकिन अब तुमने सुन ही लिया है तो मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मैं अब और नहीं छुपा सकती इस बात को। पुष्पा, 5 साल पहले जब तुम्हें जानलेवा हार्ट अटैक आया था और तुम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब तुम्हें एक ही इंसान बचा सकता था, वो था त्रिनेत्री बाबा। त्रिनेत्री बाबा खुद तुम्हें दर्शन देने आए। ओम बम बांगुराय नमः। और त्रिनेत्री बाबा ने ही तुम्हारी जान बचाई, लेकिन बदले में उन्होंने ग्लू बेटे से एक प्रॉमिस ले लिया। ये प्रॉमिस के ग्लू बेटा अपनी पहली संतान उन्हें सौंप देगा। का बकवास कर रही हो तुम? हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? हमका नहीं लगता हमारे बेटवा ने ऐसे कछु प्रॉमिस दिया होगा। ऐसा कौन वादा नहीं कर सकता गुल्लू, हमरा ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, लाइक सीरियसली? पुष्पा आंटी, आपको तो पता है ना कि अखिलेश भी आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको ऐसे मरने थोड़ना देता, उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं ये प्रॉमिस करने के अलावा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, ग्लू बेटे का बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा है, ग्लू बेटा अपना किया हुआ वादा भूल चुका है।